नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बछवाड़ा बेगूसराय में आधे दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनहीन दिखाई दे रहा है, और शायद यही कारण है कि क्वारंटाइन सेंटर मरीजों के लिए काला पानी का टापू साबित हो रहा है। शनिवार को क्वारंटाइन सेंटर आदर्श माध्यमिक विद्यालय नारेपुर में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सेंटर पर रखे गए मरीजों ने भूख से व्याकुल होकर के हंगामा किया। भूख से बिलखते क्वारंटाइन की खबर जैसे ही रानी एक पंचायत तक पहुंची तो सिकंदर कुमार और जयकिशन ठाकुर स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में सफल रहे और किसी तरीके से मामला को शांत किया गया। क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की समस्याओं से रूबरू होने के क्रम में लोगों ने बताया कि यहाँ रखे गए लोगों को सुबह से ही किसी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं दिया गया है और ना ही 12 बजे तक किसी को भोजन कराया गया है। इसके साथ ही साथ शुद्ध पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। साथ ही साथ पास में एक हैंडपंप लगा हुआ था, वो भी खराब है। आपको बता दें, फिलहाल इस सेंटर पर अभी 21 लोगों को रखा गया है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ उपलब्ध बेडों की संख्या मात्र 8 है, बाकी लोग खुले जमीन पर ही चादर बिछा करके लेटे रहते हैं। रात के समय समूचे भवन में घुप अंधेरा छाया रहता है। जनरेटर की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कहने को तो यहाँ आधे दर्जन से अधिक सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, लेकिन रात्र में एक चौकीदार के अलावा कोई भी नहीं रहता। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं बछवाड़ा बेगूसराय से हमारे रिपोर्टर राकेश यादव की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।